कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम्स अड्डा 2.0 को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए. तो यहाँ पर ये न्यूज़ मेरठ की तरफ से प्रकाशित की गई है. जैसा कि आप सभी को पता है कि शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शासन से गाइडलाइन नहीं मिलने पर विश्वविद्यालय प्रमोशन और परीक्षा पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा. शासन की गाइडलाइन के बाद ही विश्वविद्यालय स्थानीय स्तर पर समिति बनाकर प्रमोशन और परीक्षा की कार्रवाई करेगा. तो ये तो बिल्कुल तय हो चुका है, बिल्कुल फाइनल है मेरे हिसाब से कि प्रमोशन मिलना ही मिलना है और परीक्षा लास्ट ईयर की, फाइनल ईयर की करवाई जानी है. तो ये न्यूज़ मेरठ की तरफ से है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नहीं मिले निर्देश, परीक्षा और रिजल्ट भी अटका. अंतिम वर्ष की परीक्षा और बाकी वर्षों को प्रमोट करने के लिए कुलपति की 3 सदस्यीय सिफारिशों के बाद कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय को कोई निर्देश नहीं मिले हैं. शासन से गाइडलाइन नहीं मिलने पर विश्वविद्यालय और परीक्षा पर, विश्वविद्यालय प्रमोशन और परीक्षा पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है. शासन की गाइडलाइन के बाद विश्वविद्यालय स्थानीय स्तर पर समिति बनाकर प्रमोशन और परीक्षा की कार्रवाई करेगा. यहाँ आगे आप लोग देख रहे होंगे, 3.75 लाख स्टूडेंट्स को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है. और यहाँ पर एक ये भी अपडेट आप देख पा रहे होंगे, 1 घंटे के हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर. विश्वविद्यालय ने इस बार यूजी पीजी फाइनल ईयर के 1 घंटे के का पेपर हो सकता है. विश्वविद्यालय ने पिछले वर्ष 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटे की परीक्षा करवाई थी, लेकिन विश्वविद्यालय जल्द रिपोर्ट रिजल्ट व एवं पेपर के लिए इसे घटाकर 1 घंटे करने पर विचार कर रहा है. तो ये भी हो सकता है कि 1 घंटे की ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं आप लोगों की करवाई जाएं. यहाँ पर ये न्यूज़ मेरठ की तरफ से है. बाकी आप लोग यहाँ पर ये हाइलाइट्स भी देख रहे होंगे, यूजी पीजी की परीक्षाओं पर समिति की रिपोर्ट के बाद विश्वविद्यालय को नहीं मिले अब तक निर्देश और विश्वविद्यालय में लगभग 3.75 लाख छात्र लाइन में लगे हुए हैं. तो ये अपडेट है मेरठ की तरफ से. बाकी ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स आपको मैं तुरंत ही प्रोवाइड करवा देता हूँ. जैसे ही मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए तो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ. ऐसी सभी अपडेट्स के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर. आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज वहाँ पर मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सभी लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन था. तब तक लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम.